शिक्षा करने में मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं राजीव कुमार भर सरगम का छात्र आप सभी के सामने स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। आज मैं कुछ कहूँ इससे पहले एक बात जान लीजिए, आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए सब निकलेगा तो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि मैं इसका हनुमान हूँ और ये देश मेरा राम है। सीना चीर कर देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, क्योंकि दोस्तों मैंने इस देश की मिट्टी बचपन में खाई थी, इसलिए मेरे खून में देशभक्ति का जज्बा जिंदा है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारे देश को पूरे 76 वर्ष हो गए स्वतंत्र हुए आज, लेकिन दोस्तों ये आज़ादी हमेशा ही नहीं मिली। ये आज़ादी के बेड़ियों के जंजीरों को तोड़कर उन्हें पैरों तले मसल कर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिला था। यही कारण है कि मायूस का चेहरा भी लहराते हुए तिरंगे को देखकर उनके चेहरे पर नन्ही सी मुस्कान आई जाती है। कुछ जाहिर आतंकवादियों को गलत फहमी हुई है साहब कि पुलवामा के खौफ से डर जाएगा भारत, ये बात तेरा खौफ नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, ये बात तेरा खौफ नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, कबूल कर हमारा था और हमारा ही रहेगा। आज 15 अगस्त 1947 जब भारत 200 साल की गुलामी भारत को 200 साल की गुलामी से आज़ादी मिली थी, भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे कई क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान रहा। दोस्तों जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब से हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, हमारे देश की हालत इतनी दयनीय दुर्दशा हो गई है कि जाति धर्म के नाम पर देश को बांटा जा रहा है, कि जाति धर्म के नाम पर देश को बंटवारा किया जा रहा है। तो उन सही भ्रष्टाचारियों और राजनीतिकों को बता देता हूँ, आज स्वतंत्रता दिवस में बता दूँ कि किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में, तो किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में, किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में, किसी को लगता है हिंदू खतरे में। अरे धर्म का चश्मा उतार कर देखो यार।